तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद हम सब बढ़िया हैं। तो एक बार फिर से आप सभी का वेलकम होता हूं अपनी एक और नई फ्रेश वीडियो के अंदर। तो सबसे पहले तो यार मुझे ये बताओ, आज आपका दिन कैसा गुजर रहा है? क्योंकि यार आज है अपनी OB29 की पैच अपडेट, गेम अपडेट पे है। तो आज कोई भी गेम नहीं है, कोई भी कुछ नहीं है, तो आज अपडेट है। तो आज आपका दिन कैसा निकल रहा है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर से बता दो। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अपनी OB29 अपडेट के बाद आपको कौन कौन सी नई आइटम देखने को मिलने वाली है इन गेम। जैसे कि हम बात करने वाले कुछ इमोट्स के बारे में, जो इमोट आपको किसी ने नहीं अभी तक दिखाएंगे, मतलब बहुत ओसम से अभी अभी निकल के आए, मतलब आज ही शायद कल या परसों का वीडियो निकल के आया है। तो आपको वो नए वाले लेजेंडरी इमोट दिखाने वाला हूं, साथ ही साथ में आपको कुछ और आइटम भी दिखाने वाला हूं जो आपको यहां पे इन गेम जैसे ही अपडेट होता है गेम उसके बाद देखने को मिलने वाली है। तो आपको वीडियो कहीं भी स्किप करने की कोई भी जरूरत नहीं है। हो सके तो आपको अगर वीडियो जरा सा भी अच्छा लगे तो वीडियो को जरूर से लाइक करना मत भूलना यार, लाइक जरूर से कर दो। उसके बाद यहां पे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो, किसी इस टाइप से आपको वीडियो के नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा उसको प्रेस कर दो, और साथ में एक बेल आइकन भी बन गया उसको प्रेस करके ऑल पे डाल दो यार, बस इतना सा काम कर रहा। तो चलिए यार वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहली अपडेट की बात की जाए तो वो ये है आपको डेस्टिनी गार्डियन की, जो अपनी एक्सीमेट की स्किन है वो आपको यहां पे फेरी व्हील के अंदर अवेलेबल हो जाएगी 7 डेट को, मतलब 7 अगस्त को ये अवेलेबल हो जाएगी। इसका इवेंट चलने वाला है, मतलब फेरी व्हील चलने वाला है 7 अगस्त से लेके 5 सितंबर तक ये वाला इवेंट चलने वाला है। मतलब इसके अंदर से आप इवो का एक्सीमेट ले सकते हो, ठीक है? अगर आप लेना चाहते हो तो आप ले सकते हो यार। फोर तो मतलब इसकी एबिलिटी की बात की जाए तो यहां पे इसका डबल डैमेज होने वाला है, सिंगल रेट ऑफ फायर प्लस होने वाला है, और यहां पे सिंगल रेट ऑफ फायर जो रीलोड स्पीड है वो माइनस होने वाली है, ठीक है? तो उसके बाद आगे चलती है तो आगे आपको यहां पे टॉप अप इवेंट की बात की जाए तो वो भी आपको डेस्टिनी गार्डियन का ही देखने को मिलने वाला है, जिसके अंदर आपको यहां पे एक सब बोर्ड की स्किन देखने को मिलने वाली है, साथ ही साथ में एक ओसम सी मतलब बहुत प्यारी सी एक लेजेंडरी बैकपैक की स्किन देखने को मिलने वाली है, ठीक है? जो डेस्टिनी गार्डियन की थीम पे ही है, ठीक है? दोनों की दोनों आइटम आपको मैंने बता दी जो आपको इन गेम देखने को मिलने वाली OB29 अपडेट के बाद। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। तो आगे हम बात करने वाले हैं अपनी नेक्स्ट इवो गन के बारे में, ठीक है? एक एक्सीमेट होगी ना, दूसरी अपनी होने वाली है फार्मस की। तो फार्मस की एक्समेट जो फार्मस की वो गन स्किन होने वाली है वो आप यहां पे स्किन के ऊपर देख सकते हो यार। मुझे तो इसका लुक बहुत प्यारा लगा यार, बहुत ज्यादा अच्छा लगा। तो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर से बताना मत भूलना, क्योंकि यार आज तो फ्री हो यार, कमेंट कर सकते हो, इतना टाइम तो आपके पास होगा, आप कमेंट कर सकते हो, ठीक है? तो कमेंट करना मत भूलना कैसा लगा, मतलब दोनों ईवो गन में से कौन सा आपको ज्यादा अच्छा लगा। तो मुझे तो जहां तक लगता है यार दोनों ही अच्छी है, बहुत अच्छी है। उसके बाद चलते हैं इसका इमोट की बात की जाए तो ईवो एक्समेट मतलब ईवो फार्मस का जो इमोट होने वाला है वो आप यहां पे देख सकते हो। अभी पूरा का पूरा नहीं, 50% निकल के आया यार इस इमोट का, अभी 50% ही निकल के आया है। तो यहाँ पे देखते हो कुछ इस टाइप का, मतलब एनिमेशन वगैरह नहीं निकल के आया तो, लेकिन एक्ट कैसे करेगा वो अभी निकल के आ चुका है, ठीक है? तो उसके बाद बढ़ते हैं आगे। तो आगे यहाँ तो हम बात करने वाले हैं एक और रिमोट के बारे में जो आप यहाँ पे स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो। मतलब ये अभी जस्ट करेक्टर कैसे एक्ट करेगा, मतलब करेक्टर की मूवमेंट कैसी होने वाली है वो ही निकल के आया है। इसके साथ ही साथ में एक पैट भी होने वाला है, ठीक है? जो पैट अपना वो क्या ना ग्लू वॉल प्रोड्यूस करता है ना, वो वाला पैट भी होने वाला है इसके साथ साथ, लेकिन वो अभी दिखाया नहीं जा रहा है यहाँ पे, क्योंकि 50% ही इस रिमोट का भी निकल के आया है। तो रिमोट आपको कैसा लगा? ये रिमोट भी आपको OB29 अपडेट के बाद देखने को मिलेगा। उसके बाद बढ़ते हैं आगे। तो आगे एक और रिमोट यार, ये पहले नहीं निकल के आया था, मतलब मुझे खुद नहीं पता था पहले इसका रिमोट के बारे में, लेकिन अभी हाल ही में यहां पे ये वाला इमोट निकल के आया है। मतलब मुझे लगता है कल शायद ये वाला इमोट इसका पूरा का पूरा वीडियो निकल के आया है। तो ये वाला इमोट आपको एक और देखने को मिलने वाला है। ये इमोट आपको पता है कैसे होने वाला है? जैसे ये वाला कोबरा का इमोट था ना, जो आपको मतलब ये कोबरा का कोई वाला जब बंडल था अपना, तो उसका जब कोई भी बंडल का पार्ट लगा के आते थे ना, स्क्वाड के अंदर एंट्री होती थी तो आपका कुछ इस टाइप का एनिमेशन के साथ आते थे। तो वैसे ही मतलब इसका भी बताया जा रहा है कि ये जो ये वाला इमोट होने वाला है ना गाड़ी का, तो ये भी आपको जब किसी स्क्वाड के अंदर जाओगे ना तब ये इमोट शो होगा कि आप इस टाइप की एंट्री के साथ इंटर करोगे स्क्वाड के अंदर। कहीं पे भी कोई भी आपको स्क्वाड के अंदर बुलाएगा ना तो कुछ इस टाइप की लेजेंडरी एंट्री के साथ आप इंटर होंगे गेम के अंदर। तो बस यार आज के लिए इतना ही। तो वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर से बताना मत भूलना, और हो सके तो चैनल को भी जरूर से सब्सक्राइब कर लो यार। क्या करते हो यार, सब्सक्राइब करना बोलता हूँ फ्री होता है फिर भी आप सब्सक्राइब नहीं करते, तो सब्सक्राइब करते हो जाना। तो थैंक यू, हैव अ नाइस डे, मिलते हैं अपनी अगली वीडियो।